चलिए इस वक्त अमेठी से हादसे की खबर सामने आ रही है। अभी जानकारी मिली है कि एक यात्री बस जो है अनियंत्रित होकर पलट गई। बड़ी संख्या में लोग इस बस में सवार थे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुल 12 लोग घायल हुए हैं और इनमें से 6 की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें फिलहाल CHC में भर्ती कराया गया है। जानकारी यह मिल रही है कि ये बस में लोग दरअसल बिहार से नई दिल्ली जा रहे थे। शुकुल बाजार थाना इलाके के पास ये बस हादसे का शिकार हो गया। बिहार से नई दिल्ली जा रही बस, इसमें बड़ी संख्या में लोग सवार थे। शुकुल बाजार इलाके में अचानक से चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। बस के पर खच्चे उड़ गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं बस की हालत को देख के कि किस तरह की जबरदस्त दुर्घटना ये थी, जिसमें अभी जानकारी मिली कि 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं जिन्हें CHC में भर्ती कराया गया है। ये बस बिहार से नई दिल्ली जा रही थी। ये बस जहाँ पर खड़ी है ये शुकुल बाजार का इलाका है, जहाँ पर अचानक से जो ड्राइवर था उसने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। हादसे में 6 लोगों की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है, गंभीर रूप से घायल है जिन्हें CHC में भर्ती कराया गया है। कुल 12 लोग इस हादसे में जख्मी हुए। करीब 4:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 67.2 किलोमीटर थाना शुकुल बाजार जनपद अमेठी पे एक बस जो मुजफ्फरपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी अनियंत्रित होकर पलट गई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भिजवाया गया तथा बस को ट्रेन के द्वारा सड़क के किनारे करवाकर यातायात को सुचारू रूप से चलवाया गया। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, मौके पर अन्य कोई समस्या नहीं है।